जय हिंद साथियों, आज आपको बताएंगे हमारे यहाँ के आर्मी के बच्चों की ट्रेनिंग। अभी भर्ती का सीज़न नहीं है और 2 साल से भर्ती लगभग नहीं आई है, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हमारे बहुत अच्छा ग्रुप रहता है आर्मी का, 150-200 बच्चे हमारे पास रहते हैं, लेकिन अभी 20-25 ही बच्चे, और सभी अकेडमियों पर भी बच्चे कम हैं आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी की रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुई है अभी पिछली 2020 वाली। ये बच्चे देखिए कितना अच्छा, आपको ये एक्सरसाइज करके बता रहे हैं, ये सिटअप से पूरा नीचे से लेके सीधे अप करना है, इसमें आपकी ग्लूट मसल्स, एप्स और थाई मसल्स पूरा वर्कआउट होता है। हमारे यहाँ के कोच अनु सिसोदिया, इनको देखिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। यदि आपको आर्मी की तैयारी करना है या आपके भाई बंधु कोई आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और तकनीकी रूप से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिसके अंदर उनको सिर्फ रनिंग चिनअप्स की तैयारी कराई जाएगी, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस स्पीड का वर्कआउट कराया जाएगा, रगड़ा नहीं कराया जाएगा। रगड़ा अक्सर देखा गया है कि आर्मी की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर, वो बच्चों को ट्रेनिंग रनिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग रगड़ा ट्रेनिंग देते हैं। इसमें फ्रंट रोल लगवाते हैं, क्रॉलिंग करवाते हैं, कमांडो बैंड लगवा देते हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ टफ ट्रेनिंग देते हैं। रफ टफ ट्रेनिंग देने से फ़ायदा बच्चों को निश्चित रूप से होता है, लेकिन ज़्यादा करवा के आपको आउटपुट निकलाने से अच्छा है सही करवा के बच्चों से आउटपुट लिया जाए। हर बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है तो स्ट्रेंथ का वर्कआउट कराया जाए, इंड्योरेंस कम है तो इंड्योरेंस बढ़वाया जाए, स्पीड कम है किसी बच्चे में तो किसी बच्चे की स्पीड बढ़वाई जाए। इंडिविजुअल ट्रेनिंग का ध्यान देना चाहिए कि उनको इंडिविजुअल ट्रेनिंग देनी चाहिए। जनरल ट्रेनिंग तो होती है कि सभी को दौड़वाना है, सभी को एक्सरसाइज करवाना है, लेकिन यदि उनमें किसी चीज़ की कमी आ रही है, कुछ कम है, इंड्योरेंस कम है, किसी बच्चे में इंड्योरेंस की कमी होती है तो उसको इंड्योरेंस डेवलप कराना चाहिए, किसी में स्पीड की कमी है तो उसके अंदर स्पीड का वर्कआउट एक्स्ट्रा कराना चाहिए, किसी में बच्चे में स्ट्रेंथ की कमी तो उसको स्ट्रेंथ वर्कआउट ज़्यादा करवाना चाहिए। यह ट्रेनिंग का सिद्धांत होता है। जनरल ट्रेनिंग देन स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग सभी के लिए कॉमन होती है, एक जैसा वर्कआउट करवाया जाता है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग में क्या होता है कि उस बच्चे को अलग अलग बच्चों को टाइप का एक्स्ट्रा वर्कआउट करवाना पड़ता है, स्ट्रेंथ का वर्कआउट या स्पीड का वर्कआउट या एंड्योरेंस का वर्कआउट। तो हमारे यहाँ पर विशेष रूप से हम एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी तैयार करते हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी रेडी होते हैं, नेशनल मेडलिस्ट रेडी होते हैं, और जो भी यहाँ कोचेस हैं सब नेशनल लेवल के प्लेयर, नेशनल मेडलिस्ट हैं। मैं स्वयं भी नेशनल मेडल जीत चुका हूँ और खिलाड़ियों को लंबे समय से तैयारी करा रहा हूँ, आर्मी के बच्चों को, पुलिस के बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। तो ट्रेनिंग का सिद्धांत होता है टेक्निकली जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है फिजिकल में वो करवाई जाती है। रगड़ा ट्रेनिंग को हम अवॉइड करते हैं। रगड़ा ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर बहुत रफ एंड टफ ट्रेनिंग होती है, और बच्चे भी ये सोचते हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रेनिंग कराई जाती है, ज़्यादा रगड़ा जाता है, वो सोचते हैं बहुत मेहनत करा रहे हैं, बहुत अच्छे करवा रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बजाय सही ट्रेनिंग, क्वांटिटी में ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, क्वालिटी में ट्रेनिंग होना चाहिए। आपके क्वालिटी वर्कआउट होना चाहिए, क्वांटिटी वर्कआउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर पे जाके उठ भी ना पाएँ। आपको हम बता दें कि आजकल आर्मी की जो भर्ती होती है उस पर रिटर्न एग्ज़ाम का भी एक लेवल हो गया है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो निश्चित रूप से कॉम्पिटिशन बढ़ा है तो उनको किस तरह से सिलेक्शन लेना है, बच्चों को किस तरह सेलेक्ट करना, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं भर्तियों में तो वो चाहते हैं 100% खरा सोना, 24 कैरेट गोल्ड चाहिए उन्हें, 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, उसके अंदर वो रिटर्न एग्ज़ाम भी इतनी अच्छी चाहिए और फिज़िकल भी इतना अच्छा चाहिए। तो बच्चे फिज़िकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं लेकिन रिटर्न कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड पे इतना ज़्यादा वर्कआउट करते हैं कि वो जाकर पढ़ नहीं पाते। तो हमारे यहाँ पर हम क्वालिटी वर्कआउट कराते हैं, इस तरह वर्कआउट कराते हैं कि बच्चा ज़्यादा थकता भी नहीं है और परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है, साथ में जाकर वो क्लासेस भी अटेंड करता है। हमारे यहाँ पर 3 घंटे डेली क्लासेस लगती है इनकी। यहाँ पे अभी सुबह का सेशन चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे हमारे आर्मी का सेशन सुबह का ही होता है और शाम को उनकी क्लासेस रहती है। हमने क्लासेस पर ट्रेनिंग सेशन में भी डिस्टेंस रखा है 4-5-6 घंटे का, ताकि बच्चा घर पर जाकर अच्छी डाइट ले ले और जाकर रेस्ट करके फ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए आए। अन्यथा कई कोचिंगों में हमने देखा है कि सुबह उनको दौड़ाते हैं 8 बजे तक दौड़ाते हैं और 9-10 बजे से उनकी क्लासेस लगवा देते हैं, तो बच्चा जल्दी जल्दी जाता है, रूम पे जाता है, कुछ खाता है, कुछ पीता है, नहीं पीता है, आराम नहीं कर पाता और क्लास में जाकर पढ़ने के लिए चले जाता है। तो निश्चित रूप से जो बच्चा 5 बजे से उठ के ग्राउंड पे दौड़ लगा रहा है, थका आ रहा है, ठीक से डाइट नहीं ली और वो जाके फिर डायरेक्ट उसको क्लास में ले जाओगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको सुस्ती रहेगी,
उसका CNS सिस्टम जो रहता है वो नर्वस जो स्लो हो जाता है, तो वो इतना अच्छा कैच नहीं कर पाता है। इसलिए हमने टेक्निकल रूप से ये देखा है कि बच्चों को यदि तैयार करना है तो फिज़िकली और मेंटली दोनों तैयार करना है ताकि सिलेक्शन आसानी से हो। हमारे यहाँ पर आर्मी नर्सिंग, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क के बहुत अच्छे सिलेक्शन है, क्योंकि हमारा रिटर्न का लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। और फिज़िकल तो नो डाउट हमें ऐसा यकीन है कि हमारी ट्रेनिंग मध्य प्रदेश की श्रेष्ठ ट्रेनिंग है, कि जितने भी कोच हैं सारे कोचेस हमारे यहाँ के अच्छे ट्रेंड कोच हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। यदि आपको लगता है कि आपको आर्मी की तैयारी करना है या आपके भाई को दोस्तों को तैयारी करना है, तो एक बार हमारे यहाँ पर डेमो क्लासेस फिज़िकल की ज़रूर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।